24 जहां MNS न्यूज आई में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं बॉलीवुड की खास खबर। आलोक नाथ के साथ काम करने पर अजय देवगन पर भड़की तनुश्री दत्ता। भारत में मीटू मूवमेंट की शुरुआत करने वाली एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने अजय देवगन पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। दरअसल अजय की अपकमिंग फिल्म दे दे प्यार दे में उनके साथ आलोक नाथ भी है, जिन पर रेप के आरोप लगे है। आलोक नाथ के साथ अजय के काम करने पर तनुश्री ने एक ओपन लेटर में लिखा था कि फिल्म इंडस्ट्री में झूठे और दिखावटी लोग भरे। तनुश्री ने कहा कि फिल्म को एडिट कर आलोक नाथ को बाहर कर देना क्या इतना मुश्किल है। ट्रेलर और पोस्टर आने से पहले तो किसी को पता भी नहीं था कि फिल्म में आलोक नाथ है। अगर फिल्म मेकर्स चाहते तो उन्हें रिप्लेस कर सकते थे और दोबारा शूट कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने तो आलोक नाथ के साथ काम करने इन महिलाओं के साथ और भी बुरा बर्ताव किया है। क्या आलिया के साथ रहने की तैयारी में है रणबीर कपूर? कैटरीना और दीपिका के साथ भी लिविन में रहे आलिया भट्ट और रणबीर कपूर का रिश्ता इन दिनों और मजबूत होता जा रहा है। पिछले दिनों फिल्म फेयर अवार्ड फंक्शन में दोनों एक दूसरे को किस करते और गले लगते नजर आए। इसी अवार्ड फंक्शन में आलिया ने अपनी स्पीच के दौरान रणबीर को आई लव यू भी बोला था। जिम के बाहर शॉर्ट्स में दिखते ही ट्रोल हुई मलाइका अरोड़ा। यूजर्स बोले अब बस भी करो। मलाइका अरोड़ा, जिनको बॉलीवुड का फिटनेस फ्लैग बियरर माना जाता है, वह अक्सर जिम से निकलती हुई नजर आ जाती है। बीती शाम में भी ऐसा एक नजारा मलाइका के फैंस को देखने को मिला। जिम के एंटायर में एक वेस्ट और शॉर्ट्स पहने हमेशा की वह यहाँ भी तरह फिट नजर आ रही थी। मलाइका को देख कर कोई नहीं कह सकता कि वह 45 की हो चुकी, लेकिन उनके इस लुक को लेकर उनको खूब ट्रोल भी किया जा रहा है। मलाइका ने जब अपनी फिटनेस करती फोटो को इंस्टाग्राम पर शेयर किया तो यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। एक युवक ने लिखा, बस करो बुढ़ापा आ गया है। वहीं कई ट्रोलर्स ने उन्हें बूढ़ी बताया। शाहरुख खान ने एक एक्ट्रेस को बुलाया अपने घर, बोले आइए सीढ़ी सांप खेलते हैं। बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान ने ऑन स्क्रीन डेड अनुपम खेर को भारत लौटने पर सांप सीढ़ी खेलने का इनविटेशन दे डाला है। शाहरुख ने अनुपम खेर को अपने घर आने का न्योता दिया है। दरअसल अनुपम इन दिनों न्यूयॉर्क में है और उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें शाहरुख खान को मिस करने की बात लिखी गई है। हालांकि इसके बाद शाहरुख खान ने भी इसका रिप्लाई किया। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।